वीडियो देखने से पहले इधर चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन पे प्रेस करो और ऑल पे सेट करो जिससे हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। सो यार फाइनली मैंने अपने मी बैंड 4 में iOS थीम को इंस्टॉल कर लिया है। अगर आप भी इंस्टॉल करना चाहते हैं एप्पल वॉच थीम को अपने मी बैंड 4 में तो उसके लिए आपको क्या करना है, वीडियो को एंड तक देखना है। अगर आपके पास में मी बैंड 4 है तो यार इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और हाँ गाइस, चैनल पे नए आए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन पे प्रेस कर देना। तो यार आज हम बात करेंगे कि अगर आप अपने मी बैंड 4 में कस्टम सॉरी एप्पल iOS थीम को इंस्टॉल करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे, इसी के बारे में हम बात करेंगे वीडियो में। तो यार अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो तो भाई प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है यार कि चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, क्योंकि ऐसी वीडियोज हम डेली डालते रहते हैं। सो शुरू करते हैं वीडियो को। सो यार इस वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाके आप इस पे आ सकते हैं। और आने के बाद में आपको एप्पल वॉच थीम पे आपको क्लिक कर देना है और यहां से गाइस आपके वर्जन को चेक कर लेना है, आपका जो फर्मवेयर वर्जन हो उस हिसाब से फाइल को डाउनलोड कर लेना है, वरना भाई इसमें मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। तो यार आपको यहाँ पे केयरफुली ध्यान रखना है अपने मतलब फर्मवेयर वर्जन को, कौन सा फर्मवेयर वर्जन है आपका उसी हिसाब से आपको फाइल को डाउनलोड करना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, फर्मवेयर वर्जन पे आपको जाना है। तो ये कैसे देखेंगे, आपको मीफिट ऐप को ओपन कर लेना है और मीफिट ऐप को ओपन करने के बाद में गाइस आपको कहाँ पे ये वो दिखाई देगा, तो गाइस इसके लिए आपको कहना है अपनी आईडी जो भी आपने बनाई है उस पर आपको क्लिक कर देना। नीचे आप स्क्रॉल करेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं फर्मवेयर वर्जन आपका है 1.0.9.22। तो इस वर्जन की आपकी को फाइल को डाउनलोड करना, तो इसके लिए आपको वेबसाइट पे आ जाना है। और वेबसाइट पे आने के बाद में आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको 1.0.9.22 वाली ये ली फाइल आपके, तो इसको डाउनलोड करने के लिए आपको नीचे स्क्रॉल करना है, यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक करना है। अब आपकी फाइल कहाँ पे देख सकते हैं 1.0 पॉइंट ये वाली फाइल है, तो गाइस इसको आपको डाउनलोड कर लेना 1.0.9.22 वाली। अब आपका जो भी फर्मवेयर वर्जन उस हिसाब से आपको डाउनलोड करना है, मैं आप चेक करके आप खुद यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैंने पहले से डाउनलोड करके रखी, अभी से हमें लगा के दिखाएंगे इसे फोन में अपने मी बैंड 4 में इंस्टॉल करेंगे। तो इसके लिए आपको एक एप्लीकेशन की जरूरत होगी, वो होगा नोटिफाई मी फिटनेस बैंड मी बैंड 4। तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और ये आप प्ले स्टोर से भी जाके आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। वैसे मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दूँ, वैसे डाउनलोड कर लेना। तो डाउनलोड करने इसके आपको यहाँ पे क्लिक करना है और नीचे टूल्स पे आपको क्लिक करना है। टूल्स पे क्लिक करने के बाद में आपको अपडेट मी बैंड फर्मवेयर अब यहाँ पे आपको जाना है। अब यहाँ पे आने के बाद में गाइस आपको जो भी आपने फाइल डाउनलोड की यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है, चूज फाइल पे आपको क्लिक कर देना है। तो यार जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आपकी ये गैलरी में चला जाएगा, यानी कि फोन मेमोरी में, और यहाँ से आपके उस फाइल को सिलेक्ट कर लेना है। तो यार जैसे ही आप इस फाइल को सिलेक्ट करेंगे यहाँ पे अल्टरनेट मेथड अल्टरनेट मेथड 2 दोनों पे आपको क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे अब हम क्या करेंगे, आपको स्टार्ट अपडेट पे क्लिक कर देंगे। तो यार इसको तो गाइस जब आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने इसके अपने मी बैंड को पास में रख दिया और स्टार्ट अपडेट पे मैंने क्लिक कर दिया। तो गाइस जब वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं करनी मैं, तो मुझे इसको फास्ट कर देते हैं, स्पीड बढ़ा देते हैं। तो यार मैंने इसकी स्पीड बढ़ा दी है गाइज, अब गाइज बहुत ही जल्दी ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। और कंप्लीट होने के बाद में गाइज अपने फ़ोन का लुक देख सकते हैं, आई मीन मी बैंड 4 का लुक देख सकते हैं। तो गाइज पहले एक बात मैं क्लियर कर दूँ, गाइज आपको फर्मवेयर वर्जन जो आपका उस हिसाब से फाइल को डाउनलोड करना है, वरना भाई मेरी इसमें कोई जिम्मेदारी नहीं होगी और आपका मी बैंड भी डैमेज हो सकता है। अगर ऐसा ना हो तो आपको इसको सही तरीके से डाउनलोड करना है। तो यार आप देख सकते हैं आपने प्रोसेस कंप्लीट हो गया है। अब गाइज आप इसका लुक देख सकते हैं अपने मी बैंड 4 का। तो यार मी बैंड 4 में आप देख सकते हैं यहाँ पे म्यूजिक वगैरह जो भी आप iOS की तरह सेम आ रहे हैं, बिल्कुल मतलब जो भी एप्लीकेशन आपको iOS के एप्पल के फ़ोन में देखने को मिलता है सेम वही डिज़ाइन आपको अपने मी बैंड 4 में देखने को मिलेगी। तो अब हम और कुछ देख लेते हैं और क्या चेंज हुआ है गाइज। और मैसेज नोटिफिकेशन का एप्लीकेशन भी आपको सेम वही दिखाई दे रहा है जैसा iOS में आपको दिखाई देखने को मिलता है। और वेदर का वेदर भी काफ़ी मतलब लोग को अच्छा लगने लगा है। वर्कआउट भी आप देख सकते हैं, मतलब जो भी आपके एप्लीकेशन है बिल्कुल iOS की तरह हो जाएंगे। हार्ट रेट भी आप देख सकते हैं यहाँ पे, और स्टेटस में आपको तो बिल्कुल चेंज ही देखने को मिल जाता है। तो इसे ओपन करके देखते हैं, हार्ट रेट में आप यहाँ पे देख सकते हैं, तो मैंने बैंड को कनेक्ट नहीं किया अभी। और ये वर्कआउट में है, ये भी सब कुछ मतलब सब कुछ चेंज हो गया है। यार आप भी इस तरीके से आप अपने मी बैंड 4 को इस थीम को इंस्टॉल कर सकते हैं, बट गाइस आपको एक ही चीज़ ध्यान रखना है, अपना फर्मवेयर वर्जन को चेक जरूर कर लेना है, उसी के हिसाब से डाउनलोड करना है फाइल को। इस तरीके से आप भी अपने मी बैंड 4 में iOS थीम को इंस्टॉल कर सकते हैं, बट गाइस आपको ध्यान रखना है कि आप अपना जो मी फिट ऐप है उसे अपडेट कर देना है, उसके बाद में आप जो भी फर्मवेयर हो उसके हिसाब से आपको सिलेक्ट कर लेना है अपनी फाइल को, उसे डाउनलोड करके ये प्रोसेस करके आप भी अपने मी बैंड 4 में iOS थीम को इंस्टॉल कर सकते हैं। सो यार कैसी लगी वीडियो कमेंट में जरूर बताएं, और वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज भाई वीडियो को लाइक कर देना। और गाइज अगर आप इस वीडियो को देख चुके हो तो यार लाइक तो बनता ही है, और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना, क्योंकि ऐसी वीडियोज हम डेली लाते रहते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।